राजगढ़ में खेल मैदान उत्कर्ष स्कूल पहुंचे राजगढ़ पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उत्कृष्ट विद्यालय राजगढ़ में विगत एक माह से चल रहे निशुल्क खेल शिविर का समापन पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर वॉलीबॉल मैदान पहुंचे और खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन पर ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया। बाद में अपने संबोधन में खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल ही ऐसा माध्यम है जो संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। इससे परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है, इससे समाज और राष्ट्र मजबूत और शक्तिशाली होता है तथा नन्हे खिलाड़ियों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। अपने वक्तव्य में धूम्रपान निषेध दिवस पर धूम्रपान से होने वाली बीमारियों के बारे में बताकर उपस्थित जन समुदाय को धूम्रपान त्यागने एवं कभी नहीं करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र रघुवंशी ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का भी माध्यम है। जिला खेल अधिकारी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि खेलने से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। इसके साथ ही खेल हमें विज्ञान, मनोविज्ञान, संगठन, अनुशासन और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी प्रदान करता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला योग प्रभारी महेश त्रिवेदी ने कहा कि खेल मानव जीवन में बहने वाली बह विरल धारा है, जिसके पावन आचमन से खिलाड़ी और दर्शकों को तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है। वास्तव में यही वह माध्यम है जो जीवन में आने वाली घोर निराशा को परास्त कर आशा और सकारात्मकता को प्रस्फुटित करता है। समापन अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य महेश कुमार गुप्ता, समस्त स्टाफ, महिला बाल विकास अधिकारी श्याम बाबू खरे, शर्मिला डावर, खेल प्रशिक्षक योगेश तिवारी, उपेंद्र सिंह परमार, फिरोज लोदी, अजय बड़ोने, कप्तान सिंह, कल्पना भंडारी, संध्या टेलर आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।